नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मोदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम दो विधायक के बीच में बैठे हैं, शायद 2023 के चुनाव में ये बुंदेलखंड से दोनों मंत्री भी हो सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे बल्कि आवाम कहती है। असलियत में 2023 का चुनावी मोड शुरू हो चुका है और इस अंदाज में कांग्रेस अब प्रचार कर रही है कि वो 150 सीटें अर्जित करेगी। बुंदेलखंड में 26 सीटें हैं और 26 में अगर हम सागर की चर्चा करें तो हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी काबिज है, लेकिन कांग्रेस के दो विधायक पूरी सरकार को परेशान करे रहते हैं। ये दोनों नेता किसानों के नेता हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व मंत्री और देवरी विधानसभा के विधायक हर्ष यादव जी से। फर्स्ट किराए शोरूम, यहां आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरोनिया। मतलब 150 सीटें, मैंने मोहन लग गई कि 150 मिले हैं, कैसे मतलब अंदाजा लगा ली कि अपन 150 तक पहुंच जाएंगे? ये मोहर जो है हमारे नेताओं ने नहीं लगाई है। आज जनता आवाम जो है जिस हिसाब से खुल के बोल रही है और जिस तरह से लोगों में एक भाव पैदा हुआ है, चारों तरफ जिस व्यक्ति से मिले, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो चाहे आम आदमी हो, हर आदमी कहता है कि अब तो बदलाव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से 19 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, BJP का देखा है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान हो, चाहे वो किसान हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो हमारे साथी हो, चाहे वो हमारी गृहिणियाँ हों, हर व्यक्ति परेशान है। लगातार छलावे की राजनीति करने वाले लोग एक्सपोज हो चुके हैं और जनता मन बना चुकी है कि इनको बदलना है। वैसे बदला तो हमारी सरकार को 18 में मौका दिया था जनता ने, मैं किस तरह से हमारी सरकार गई आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। उसका भी एक लोगों में नाराजगी है, बेहद नाराजगी है कि जनादेश कांग्रेस पार्टी को दिया था जनता ने 2018 के इलेक्शन में, और जिस तरह से सरकार में काबिज होने का काम BJP की लोगों ने किया, उसकी नाराजगी भी 2023 के चुनाव में दिखाई देगी। और जो हमारे नेताओं ने कहा है 150+, ये कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परिणाम देखिएगा, बेहद लहर, बेहद आंधी तूफान जिस तरह से विपरीत मौसम में बना हुआ है, वैसे ही मौसम नवंबर में और दिसंबर में दिखाई देगा जब परिणाम आएंगे। भाजपा में जो लड़ाई चल रही है उसमें कितना फायदा मिल रहा है कांग्रेस? हम लोग उसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग तो अपना रास्ता बनाने के मूड में हैं। हम लोग वो समस्याएं जो जनता से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हमारी महंगाई की बात हो, चाहे नारी सम्मान की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे किसानों को उसके मूल मिलने की बात हो, हम तो उन पर बात करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा को 2003 से लेकर 23 तक जनता ने देखा है, अब उस पर कहने की आवश्यकता नहीं है। लोग समझ चुके हैं कि लोग जो है फिरंगी लोग हैं, इनके बहकावे आने की आवश्यकता हमें नहीं है। भाजपा में देवरी में 13 हैं, आप सिंगल डटे, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है? हमारी जनता हमारे साथ है और जनता का आशीर्वाद यदि जिस व्यक्ति के साथ रहता है, चाहे 13 हो चाहे 23 हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हर्ष यादव जी थे, हम फिर किसान नेता से बात करेंगे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अभी तक जो है नेतागिरी की है, किसानों की बात की है, किसानों के लिए संघर्ष किया है। पर जब किसानों के साथ आप धोखा खा चुके, मुआवजा की अगर बात की, आप लड़े थे और किसानों को मुआवजा नहीं मिला, संघर्ष अभी भी जारी, आंदोलन भी किया आपने। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति रही है, चाहे गरीब मजदूर हो चाहे किसान, किसानों के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। अभी अगर कुछ महीने पहले की बात करें, जब ओलावृष्टि हुई थी उस समय मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, बीना गए थे, शायद खुरई के भी कुछ गांव कवर करे थे, उस समय वो बोल के आए थे कि हम 30,000 रुपया हेक्टेयर किसानों को जो ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देंगे। लेकिन जब किसानों के खाते में पैसा गया, एक तो देवरी और बंडा तो छोड़ ही दिया उनने, किसानों को कांग्रेस का बना दिया, और बीना और खुरई की बात कहें तो जहां उनने बोला था कि हम 32,000 रुपया, वहां हेक्टेयर का हिसाब लगाया तो 10,000 भी नहीं डाले उनने। और किसानों ने खुद एक वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी भूपेंद्र सिंह जी के
सबक से किसान ने भी बोला कि हमारे खाते में पैसे नहीं आए। ये स्थिति है, मतलब भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोल रही है और किसानों के साथ तो वो कभी थी नहीं होना है। मंडा में कितनी तकलीफें होती हैं, सिस्टम आपका है सरकार में? देखिए दर्द तो होता है, सबसे बड़ा दर्द तो ये है कि जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई थी और हमें भी ऐसी उम्मीदें थी कि हमारी सरकार 5 साल चलेगी, उसमें कोई मतलब ऐसी बात तो थी नहीं कि सरकार गिर जाएगी या कुछ भी हो, लेकिन अचानक इन लोगों ने सरकार जो खरीद फरोख्त करके जो विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी, तो दुख तो होता है कि जनता ने जो चीज़ बनाई और इन लोगों ने उस चीज़ को नकार दिया। मतलब जनता की भी बात नहीं है लोग मान रहे कि जनता ने जो जनादेश दिया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए उसको भी इनने ठुकरा दिया। मतलब अगर हम बात करें तो प्रीतम सिंह लोधी अभी बगावत कर रहे थे, उनके पास भाजपा कोई लोधी लीडर को छोड़ नहीं रही, आप पर भी ऑफर थे कि कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे पार्टी में ले जाए? देखिए अब ये तो उनका काम ही है, क्योंकि उनके पास अब जनमत तो बचा नहीं है कि नहीं, वो तो कोई ऐसा इशू ढूंढने मतलब ढूंढ रहे हैं कि जिसकी वजह से उनको बहुमत मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्रीतम सिंह हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ कोई भी चला जाए, लेकिन अब की बार जो चुनाव होना है, एक तरफ है भाजपा और एक तरफ प्रदेश की जनता, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की जनता चुनाव लड़ेगी। आपको भी तोड़ने का प्रयास किया है कई बार? अब मैं तोड़ने लायक नहीं था, टूटने लायक नहीं था, प्रयास तो किया है लेकिन अब समय निकल गया, अब आने वाले समय में देखेंगे। कितनी उम्मीद है सरकार बनने? वो तो अभी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण यादव जी ने जो बात बोली है वो सच है, जनता खुद कह रही है कि अब की बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम से कम 150 सीटों पर आएगी। आपकी क्या स्थिति अपने क्षेत्र में? अब ये मैं अपने मुंह से बताऊँ अच्छा लगेगा, ये तो आप लोग खुद वहाँ से जानकारी ले सकते हैं कि मेरी लड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये तरवर सिंह लोधी साहब थे जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस बार 150 सीटें मिलेंगी। हमारे तरफ दोनों विधायक थे इसलिए हम फिर एक लाइन कहेंगे कि 2023 में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर जनता की आवाज़ के अनुसार ये दोनों मंत्री भी बन सकते हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस को सागर। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईखेड़ा लिधोरा हाट, फोर लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।